What's up people, Sumit right here and I'm back with my another PUBG Mobile Tips and Trick video. Actually मुझे last कुछ हफ्ते से बहुत ज़्यादा request आ रहे थे कि भाई अपन जब भी short करते हो तो इतना ज़्यादा recoil होता है और जब भी इतना update आ रहा है उस update के बाद game का जो experience है वो और भी ज़्यादा worst होते जा रहा है। तो देखो ऐसी कोई बात नहीं है, PUBG जब भी अपना कोई भी patch release करता है तो वो उसमें ज़्यादातर try करता है कि game को improve करने का, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं अपने setting के साथ, अपने फायर करने के तरीके के साथ, अपने गन में जो जो आप इक्विपमेंट को माउंट करते हो, ग्रिप स्कोप वगैरह, उसके साथ आप गलती करते हो, सारा कुछ सब में फिट नहीं होता। तो वही मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो आपको नहीं पता होगा कि मेरे चैनल में अभी एक ग्रैंड गिव अवे चल रहा है और वो ये कि मैं एक 3000 रुपए वाला जैब ब्लूटूथ हेडफोन जो कि वाटरप्रूफ है उसका मैं गिव अवे कर रहा हूँ। बेसिकली ये हेडफोन पबजी के साथ बहुत ज्यादा ही सूटेबल है। तो अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखा है पबजी मोबाइल के 8 सीक्रेट सेटिंग के बारे में जिसको जान के आप एक प्रो प्लेयर बन सकते हो, और उसी वाले वीडियो में मैंने गिव अवे का डिटेल भी रखा है, तो अगर आप गिव अवे में भी एंटर करना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर से देखो, लिंक दे दिया मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो यार अब बात करते हैं कि पबजी में आप बिना शेक करे, बिना रिकॉइल करे या फिर अपने रिकॉइल को रिड्यूस करके कैसे गेम खेल सकते हो, कैसे शॉट ले सकते हो, और अगर ये सब अगर तुम सीख जाओ ना तो डेफिनेटली अपने किलिंग क्वांटिटी को तुम बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले देख लो यार, लोग जहां पे सबसे पहली गलती करते हैं वो है अपने सेटिंग में सेंसिटिविटी के साथ। देखो सेंसिटिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एंड सेंसिटिविटी एक अच्छे प्लेयर को प्रो प्लेयर बनाता है। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा एक प्लेयर बहुत ज्यादा क्विकली मूव करता है, खड़े खड़े कहीं पे भी वो शॉट खेल लेता है, तो सबसे पहले तुम जाओ सेटिंग में अपने सेंसिटिविटी को पूरा हाई कर दो। ठीक है, सेंसिटिविटी का यहाँ पे रिकॉइल के साथ सीधा सीधा कनेक्शन ये बनता है कि जैसे ही सेंसिटिविटी तुम्हारा जितना हाई करोगे वो उतना क्लियर होते जाता है। क्लियर होने के बाद जब तुम शॉट करोगे ना तो वो पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम रिकॉइल होगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही करने से तुम्हारा रिकॉइल कम नहीं होगा। लोग जो सबसे बड़ी गलती करती हैं वो है ग्रिप के साथ। अब देखो गेम में आपको जितने टाइप का ग्रिप मिलता है ना, लाइक एंगल फोर ग्रिप एंड वर्टिकल फोर ग्रिप, ठीक है, ये दोनों जो ग्रिप मिलता है आपको, जो आपको अपने गन के साथ माउंट करना पड़ता है, इसका एक्चुअली में ये सारे गन के साथ काम नहीं करता है, लेकिन आप लोग क्या करते हो सारे गन के साथ उसको लगा लेते हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करो। एंगल फोर ग्रिप जो होता है उसको सिंपली M416 में लगाओ, स्कारल में लगाओ और UMP9 में लगाओ, उसके बाद देखो इसका धासु परफॉर्मेंस। ये 20% तक रिकॉइल कम करता है, और अगर तुम स्प्रे करते हुए ड्रैग वाली टेक्निक को यूज़ करते हो, लाइक आप फायर कर रहे हो और अपने स्क्रीन को ड्रैग करके डाउन के साइड में पुल कर रहे हो, तब तो यार रिकॉइल बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, वर्टिकल फोर ग्रिप जो है वो भी ये तीनों गन के साथ काम करता है, स्कारल, M416 और UMP9, बट ये वेक्टर के साथ भी काम करता है, इसका एक एक्स्ट्रा फीचर है। तो ये दोनों जो ग्रिप है, अगर आप इसमें से कोई गन का इस्तेमाल करते हो अपने प्राइमरी गन में वाइल प्लेइंग द गेम, तो ये दोनों ग्रिप को डेफिनेटली कंसीडर करो। उसके बाद एक और चीज आपको करना है कि आपको क्राउच करके खेलना है। जब मैं भी गेम खेलता हूँ पबजी में स्क्वाड मोड में अपने दोस्तों के साथ, मैंने अदर लोगों को देखा, अदर क्या, मैंने लाइक 60-70% लोगों को ये नोटिस किया कि वो लोग खड़े खड़े भागते हैं, खड़े खड़े शॉट लेते हैं, खड़े खड़े गन फायर करते हैं। अगर आप रन कर रहे हो, भाग रहे हो, खड़े होकर भागो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप फायर कर रहे हो आप ट्राई करो कि आप क्राउच करके फायर करो। ठीक है, बॉडी जितना स्टेबल होता है ना, देखो यहाँ पे भी रियल लाइफ का एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर आप बैठे हो तो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, खड़े हो तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका शरीर शेक होगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, तो ऐसे करके होता है। तो अपने बॉडी को जितना ज़्यादा स्टेबल करोगे, जितना ज़्यादा अच्छी क्राउच करके खेलोगे ना, उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो ट्राई करो नेक्स्ट टाइम से जब तुम फायर करोगे तो क्राउच करके खेलो। अगर लेट जाते हो, अगर आपके पास आसपास में कोई बंदा नहीं है, आपके पास मूवमेंट ही मूवमेंट है, कोई आपके सामने से 2-3 लोग भाग रहा है, तो चुपचाप लेट जाओ, लेट के तुम मारो यार, जरा भी रिकॉयल नहीं होगा। ठीक है, जैसा मैंने बोला कि अगर तुम खड़े होकर मारोगे तो यार बहुत ज़्यादा शेक करेगा, बैठ के मारोगे तो रिकॉयल कम होगा, और अगर तुम लेट जाओ तो ज़्यादा हिलाओगे। शिट यार, क्या टॉपिक से भटक रहा है, मेरा मतलब है कि अगर तुम लेट जाओ तो कम हिलेगा कम हिलेगा। गेम खेलते समय मैंने एक और एक्सपीरियंस किया है जो मेरे गेम को खेलते वक्त कम रिकॉइल करता है, और ये मैंने किया, ये गेम का ही रूल है, ये सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। आपने नोटिस किया होगा जितना बड़ा स्कोप लेते हो, जितना ज़्यादा डिस्टेंस को आप कवर करते हो, रिकॉइल उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर तुम पबजी के जितने सारे गन को उठा के देख लो, ओके, उसमें आप कोई भी स्कोप मत लगाओ, बिना स्कोप के फायर करो, देखो 1% होता है ना, 0.1% भी वो रिकॉइल नहीं होगा। तो यार कौन से गन में कैसा वाला स्कोप यूज़ करना है सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो 7.62mm वाला जो बुलेट होता है, वो बुलेट जिस गन में यूज़ होता है उस गन में होलोग्राफ का यूज़ करो। ये सिंपल से सीधा मतलब है, अगर तुमको नहीं विश्वास होता जाओ अभी ट्राई करके देखो, रिकॉइल कम होगा। AKM में तुम
होलोग्राफ का यूज करो, अब उसके बाद अगर तुम शॉट लो, लाइक सिंगल सिंगल टैप करके शॉट लो, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस होगा ना बवाल होगा। और अगर तुम एकेएम से खेलना सीख जाते हो तो एकेएम का डैमेज रेट इज मच हायर देन एनी अदर, लाइक उससे बहुत अच्छा किल मिलता है। स्ट्रेंथ, उसका जो किलिंग स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा है, डैमेज रेशियो बहुत ज़्यादा है एकेएम का। अब रेड डॉट अगर यूज करना चाहते हो तो सेम अपोजिट में आ जाओ। असॉल्ट राइफल में दो ही होता है, एक 5.56 mm वाला जितना भी गन होता है वो आ गया, असॉल्ट में एक 7.62 वाला आ गया। तो 5.62 mm जिस गन में लगता है उस गन के साथ अगर तुम रेड डॉट को यूज करते हो तो ये बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड आई रिपीट, 7.62 वाले जितने भी गन है उसमें होलोग्राफ का यूज करो, ये बेस्ट होगा। एक और मैं प्रो टिप देना चाहता हूँ, जो कि स्कोप, जो बड़े स्कोप होते हैं 2x से लेकर 6x तक, मैं 8x की बात नहीं कर रहा हूँ, 8x तो किस किस में लगता है वो सबको पता है तो उसके बारे में बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन 2x से लेकर 6x तक वो कौन कौन से गन में सूटेबल है ये मैं प्रो टिप आपको देना चाहूँगा, जिसको मैंने खुद एनालाइज किया है कि अगर आप 2x को यूज़ करते हो तो ये बहुत बेटर चीज़ है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस वाला आप स्कोप को यूज़ करोगे आपका रिकॉयल कम होगा, तो अगर आप 2x को यूज़ करते हो तो ठीक है, 2x हमेशा ज़्यादातर आप ट्राई करना कि M416 के साथ यूज़ करने का, M16A4 के साथ यूज़ करो, एंड M429 वो जो मशीन गन होता है, M419 या M429 समथिंग होता है, उसके साथ अगर तुम 2x यूज़ करते हो ना तो यार तब तो तुम अश्वत्थामा बन जाओगे, लाइक इतना परफेक्ट शॉट मिलता है। एंड कीप इन माइंड कि आपको क्राउच करके फायर करना, बैठ के या लेट के खड़े खड़े फायर मत करना, वरना ये सब बकवास है, कुछ भी काम नहीं करेगा। 4x आप लगा सकते हो अगर आपको चाहिए, अगर आपको 4x यूज़ करना है तो सबसे बेस्ट अगर 4x किसी गन के साथ काम करता है तो वो है एक DP और दूसरा आ गया UMP9। अगर UMP9 के साथ तुम 4x लगा लो ना तो इतना बेस्ट और इतना एक्यूरेट शॉट मिलता है क्राउच मोड में कि मैं क्या ही बताऊँ। इसको जाओ डेफिनेटली अभी ट्राई करो, रिकॉयल तो लाइक तुमको 50-60% कम मिलेगा, थोड़ा सा ड्रैग वाला टेक्निक तो तुमको यूज़ करना पड़ेगा सारे गन के साथ। अगर तुम स्प्रे शूटिंग करते हो, अगर सिंगल टैप टैप करके शूटिंग करते हो, या फिर शॉर्ट स्प्रे करके आधा सेकंड का ब्रेक, फिर शॉर्ट स्प्रे आधा सेकंड का ब्रेक, तो फिर रिकॉयल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा प्रो वाली फीलिंग आएगी। और इन दोनों के बीच में जो आता है 3x तो यार मतलब होता है ना, जो बचपन में अपन क्रिकेट खेलते थे एक बंदा कॉमन होता था दोनों में खेलता था, तो 3x को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि 3x को तुम किसी भी गन के साथ लगा लो वो आपको बेटर एक्सपीरियंस देगा। एंड आई रिपीट, ड्रैग वाले टेक्निक एंड क्राउच वाले टेक्निक को यूज़ करके फायर करो, और जिस भी गन में फायर करो जैसा मैंने पहले बताया, आप ग्रिप अच्छा लगाओ, एंगल्ड फोर ग्रिप लगाओ या फिर वर्टिकल फोर ग्रिप लगाओ, मैंने जो जो गन के साथ उसको कंफर्टेबल बताया उसी गन के साथ लगा के इसको यूज़ करो, और अपना सेंसिटिविटी को भी हाई कर दो, लाइक एकदम एंड तक पहुंचा दो, उसके बाद देखो तुम्हारा एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। क्राउच का जो शॉट वाला जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपको यहाँ पे लाइव करके दिखा देता हूँ ट्रेनिंग मोड में। देख लो, अगर मैं DP लेता हूँ, ठीक है, DP लेने के बाद इसमें मैंने 6x लगाया है और मैं स्प्रे शूटिंग कर रहा हूँ, लाइक नॉन स्टॉप शूटिंग कर रहा हूँ, देखो कितना गंदा तरीका से ये रिकॉइल कर रहा है। लेकिन उसी को अगर मैं लेट के या फिर बैठ के शॉट लाइक टैप कर करके शूट करूं तो ये बहुत कम होगा। लाइक अगर स्प्रे भी करना है तो शॉर्ट स्प्रे करो, एक दो सेकंड वाला, रुक जाओ, फिर टैप टैप करो, फिर शॉट करो, फिर टैप टैप करो, रिकॉयल नहीं होगा। और ये वाला टेक्निक ऑलमोस्ट सारे गन के साथ वर्क करेगा, स्कोप लगा के जो कंफर्टेबल स्कोप मैंने बताया स्पेसिफिक गन के साथ, उसको सेम टेक्निक के साथ टैप करके या फिर शॉर्ट स्प्रे देन टैप टैप इसको आप यूज़ करो तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करेगा। और अगर गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते ना, तो इस तरह के गिव अवे का जो प्री अपडेट मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, आने वाले वीडियो का अपडेट स्टोरी डालते रहता हूँ, और मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी मैं फन करता रहता हूँ आप उसको मिस करते हो, तो डेफिनेटली लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, जाके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो। और मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गिव अवे में एंटर करें, तो उसका भी लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, लास्ट वीडियो देखो, उस वीडियो में गिव अवे का पूरा प्रोसेस है। हेडफोन आपके सामने है, ये वाला हेडफोन को मैं गिव अवे में चला रहा हूँ, जिसका रिजल्ट 17th of July को आएगा मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी में, सो डेफिनेटली वहाँ मुझे फॉलो करके रखना। और अगर वीडियो आपको पसंद आया या फिर आपको लगता है कि ये वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो डेफिनेटली एक लाइक करो, लाइक करने से आपका ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं, बट एक वीडियो को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, और हम जैसे क्रिएटर को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है YouTube में एक जेन्युइन वीडियो बनाने के लिए। सो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था, कमेंट करो अपना ओपिनियन, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने स्क्वाड के साथ, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू गाइस हैव अ ग्रेट डे, बाय।